उसके बाद लखनऊ बीजेपी कार्यालय से बीजेपी का डोर टू डोर कैंपेन शुरू हुआ, जिसमें बीजेपी की महिला शक्ति ने अभियान का आगाज किया। इस दौरान बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर, अपर्णा यादव, प्रियंका मौर्य, अदिति सिंह, ये चारों लोग मौजूद थे। प्रदेश में भाजपा का कैंपेन लगातार जारी है। कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में पांच पांच लोग हजरतगंज चौराहे पर भाजपा का प्रचार किया था और आज महिला शक्ति, जिसको कह सकते हैं हाल में ही अपर्णा यादव मुलायम सिंह की बहू हैं, वो और अदिति सिंह रायबरेली की विधायिका हैं और प्रियंका मौर्य जो कांग्रेस की पोस्टर गर्ल हैं, सभी लोग यहां पर हजरतगंज चौराहे से लगा के ये शर्मा टी स्टॉल है चूंकि काफी फेमस है और जो जिस तरीके से लगातार भाजपा कैंपेनिंग कर रही है अलग अलग तरीके से, निश्चित तौर पे जिस तरीके से आयोग ने रैलियों पर रोक लगाई है, जो भी जो भीड़ भाड़ इलाके हैं वहां पर लगातार जिस तरीके से आयोग ने शिकंजा कसा है, तो भाजपा अलग अलग तरीके से प्रचार कर रही है, जनता के बीच अपनी बात पहुंचा रही है और पोस्टर से लगातार माध्यम से महिला शक्ति को आज मैदान में उतारा है। अब देखना ही होगा कि भाजपा को किस तरीके से जनता इस पसंद करती है या भाजपा के जो नारे हैं उनको कहां तक देखती है। फिलहाल ये आने वाला 2022 का चुनाव परिणाम ही तय करेगा। कर प्रसन्न आशीष कश्यप के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सर हैं जो कि लगातार उत्तर प्रदेश में कैंपेनिंग कर रहे हैं। सर, आज भाजपा की महिला कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है, किस तरीके से, क्या एजेंडे हैं? सर, महिलाएं उत्तर प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं क्योंकि जो पांच साल पहले सपा की सरकार में गुंडे, दबंगे, अपराधी, माफिया, इनका बोलबाला था, बहु बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। आज आपने देखा होगा बहू और बेटी दोनों ही सड़कों पर उतरकर योगी आदित्यनाथ जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने निकली हैं, प्रचार प्रसार के लिए निकली हैं। उत्तर प्रदेश की बहु बेटियां उत्तर प्रदेश में अपने आप को भाजपा सरकार में सुरक्षित महसूस करती हैं। और मैं इसलिए भी कहूंगा कि अखिलेश जी जो कहते थे कि 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में देंगे, अरे भाई आप अपने पांच साल की सरकार में आपकी बिजली तो आती नहीं थी, आप एक महीने में 300 घंटे बिजली नहीं दे पाते थे, 300 यूनिट बिजली कहां से दोगे? आपके समय तो बिजली की तारों पर कपड़े सुखाए जाते थे। और अखिलेश जी, आप अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम तो घोषित नहीं कर पाए, पहली लिस्ट आई तो एक जेल वाला, एक बेल वाला, जब मैंने सवाल किया तो उसका आज तक उत्तर अखिलेश यादव नहीं दे पाए, क्योंकि थानों में पुलिस वालों से पूछ लीजिए अखिलेश यादव के उम्मीदवारों के नाम थानों में दर्ज होंगे, एक नहीं दूसरे मामले में दर्ज होंगे। ये उम्मीदवार नहीं, ये जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले हैं। सर, पहली लिस्ट भाजपा जब समाजवादी पार्टी निकाली थी, कई सवाल आपने खड़े किए थे, क्या यही वजह है कि दूसरी लिस्ट निकाल नहीं पा रहे हैं? यह मेरा साफ आरोप है, अखिलेश यादव जी की बोलती बंद है, उसका जवाब नहीं दे पाए, जेल और बेल पर। और वो जो आप कहते हो आईटी वाले, अरे इनके समय तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूनिट आने के उल्टा बंद करके चले जाते थे, क्योंकि अखिलेश यादव के लिए आईटी का मतलब इनकम फ्रॉम टेरर, अपराध जगत को संरक्षण देकर अतीक अहमद मुख्तार अंसारी से लेकर नाहिद हसन से लेकर यूनिस खान तक, ऐसे लोग तो इनके शरण में रहते थे जो टेरर के लिए जाने जाते थे, उससे आमदन इनकम होती थी, वो इनके ब्रांड एम्बेसडर थे। आईटी में नौकरी क्या देंगे भैया, इनकी आईटी की नौकरी तो इनकम फ्रॉम टेरर वालों को मिलती थी जो इनके ब्रांड एम्बेसडर इस तरह के लोग। एक आखिरी सवाल है सर, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं जो हैं, चाहे पेंशन की ऑनलाइन सुविधा बात की जाए, अखिलेश यादव कहते हैं नेताजी ने शुरू की थी, तमाम ऐसी भाजपा की योजनाएं हैं जो कहते हैं हमने शुरू की थी, अखिलेश जी को पूछिए नेताजी कहाँ है। सर, तो ये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर थे, लगातार उत्तर प्रदेश की कैंपेनिंग में हैं और लगातार भाजपा अलग अलग तरीके से, कल जिस तरीके से हजरतगंज में पांच पांच लोगों ने भाजपा का प्रचार प्रसार किया था, आज महिला विंग जो कि हाल में ही अपर्णा यादव मुलायम सिंह की बहू हैं, अदिति सिंह रायबरेली की विधायिका हैं और पोस्टल गर्ल रही प्रियंका मौर्य, चूंकि कांग्रेस से आई हैं, सभी लोग लगातार भाजपा की कैंपेनिंग में लगे हैं। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।